हेलो जी, वेलकम बैक एंड स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, लाइक एक हायरिंग अपडेट है और एक विप्रो और टीसीएस जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं उनमें फ्रीक्वेंटली आस्क कोडिंग क्वेश्चंस। ओके, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, लाइक प्रीवियस वीडियो पर हमने टारगेट रखा था 50K और आप लोगों ने वो कम्प्लीट कर दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो का भी हम टारगेट रखते हैं 50K, ठीक है। और करते हैं काम की बात। देखो, पहले सैमसंग हायर कर रही है सी सी प्लस प्लस जावा के लिए। ओके, अब इसका जो बेसिक नीड जो है ये स्किल्स हैं और 1 ईयर टू 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हो, इफ़ आपका रिज्यूमे अच्छा हुआ तो शॉर्टलिस्ट हो जाने के चांसेस हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें अबाउट कंपनी के अबाउट ये दे रखा है कि सैमसंग R&D सेंटर और ये ब्ला ब्ला इन्होंने क्या क्या अचीव किया था, ये हमारे कुछ काम की चीज़ नहीं है। अब हाउ इट वर्क्स, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको पहले यहाँ पे, फिर एक चैलेंज लेना पड़ेगा, शॉर्टलिस्टेड हो जाओगे, इंटरव्यू विद सैमसंग एंड गेट हायर्ड, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आप इसको रजिस्टर कर सकते हो, है ना, कुछ ज़्यादा नहीं है। रजिस्टर करना है, चैलेंज लेना है यानी टेस्ट लेना है, शॉर्टलिस्ट होना है, इंटरव्यू होना है और फिर हायर। अब डिस्कशन, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। अब FAQ जो नॉर्मली फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन पूछते हैं सैमसंग के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, वो है जॉब डिस्क्रिप्शन हम एक बार देख लेते हैं। देखो, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए हमारा, 1 से 8 ईयर तक का, मतलब 1 to 8 ईयर तक का। अब इसको तुम अप्लाई कर सकते हो एज एन फ्रेशर भी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड होगा तो आ जाएगा। बेस्ट इन इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन लिखा नहीं है, बट मेनली जो होगा वो 8 से 12 के बीच में होगा, ठीक है। अब एक्सीलेंस प्रोग्रामिंग स्किल्स और स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिक स्किल्स एंड ट्रबल शूटिंग, ये बेसिक और कॉमन JD है जो सबका होता है, ठीक है। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर, हैंड्स ऑन डिजाइनिंग कोडिंग एंड टेस्टिंग, ये सब इसलिए लिखा है किसी इसमें से, मतलब आप बेसिकली कोडिंग और DSA और प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे होने चाहिए। इन सब का मतलब वही है, टीम प्लेयर्स एंड ऑल, एक्सीलेंट कम्युनिकेशंस ऑब्वियसली, लाइक अगर टीम में कम्युनिकेट करते हो तो कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग स्किल्स आपका जिसके लिए हायर कर रहे हैं C, C++ एंड जावा, अब ये मेन है, लेकिन ये जो नीचे सब लिखा है ये गुड टू हैव है, आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब वहाँ पे काम होगा ना तुम्हारी हेल्प करेंगे। क्या क्या, कि स्प्रिंग आता है, स्ट्रक्ट आता है, jQuery, हाइबरनेट, आइबेटिस और ये सारी चीज़ें, वेब सर्विसेज, वेब सिक्योरिटी एंड MySQL, रिएक्ट लिखा नहीं है इसमें बट वेब सर्विसेज, ठीक है। अब ये आपको रेडिस आता है, ये सारे मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी जैसे जो कैशे वगैरह मेंटेन करती है ना, मैप रिड्यूस, हडूप, ये जितना सब कुछ लिख दिया है एक बंदा मतलब नहीं कर सकता, क्योंकि एक बंदा अगर ये वेब सर्विसेज और जावा में जाता है तो वो हडूप क्यों पड़ेगा, राइट, ये तो अलग ही मैप हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको आती है तो अच्छी बात है। अब रूल्स एंड फास्ट प्रोसेसिंग सिस्टम, ये रूल्स इंजन, ठीक है, तो ये रूल्स में अपना वीडियो बना भी रखी है शायद, है ना। तो अब देखते हैं, ये JD वगैरह हमने पढ़ लिया, अब इसकी आप क्या करना है, आपको सबसे पहले जाके अप्लाई कर देना, रजिस्टर कर लेना और टेस्ट ले लेना, ठीक है। और अब करते हैं हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात, अपना जो दूसरा टॉपिक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, पहले बात करते हैं हम अपने कॉग्निजेंट की, कि इसमें जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, देखो इसमें जो सारी कंपनीज के जो क्वेश्चंस मैंने रखे हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कॉग्निजेंट और TCS में इस ब्रैकेट के अंदर रखे गए हैं तो उसी में पूछे जाएंगे। अब आपने क्या करना है, ये शीट उठानी है और जब इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। और एक प्रो टिप मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा कि आपने इंटरव्यू में जाने से पहले क्या करना है, वो सिर्फ ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, इन जितनी भी MNCs का होता है प्लेसमेंट, ठीक है। अब पहले ये कि इन सारे क्वेश्चंस को कर लेना है, ये कुछ ब्रैकेट वाइज मत करना कि TCS है क्या है, लेकिन ये क्वेश्चंस मैंने उस अरेंजमेंट में पुट किए हैं जो कंपनीज वाइज पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन, रिवर्स एनी नंबर, अगर कोई नंबर दे रखा है तो जैसे 1 to 3 रखा है तो 3 to 1 कर दो उसको, ठीक है। सम ऑफ डिजिट कर दो, फाइंड आउट द पावर ऑफ नंबर, फैक्टोरियल, लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रिंट फैक्टर ऑफ नंबर, कन्वर्ट अ डिजिट इनटू द वर्ड, है ना। अब जैसे डिजिट है उसको वर्ड में कन्वर्ट करना है, फैक्टोरियल ऑफ नंबर गिविंग है, रिकर्जन से अगर फैक्टोरियल निकालना है। अब काउंट द नंबर ऑफ डिजिट एंड स्ट्रिंग, अब एक स्ट्रिंग दे रखी है जैसे 1 2 3 4, कोई एक स्ट्रिंग में दे रखा है तो उसमें कितने नंबर्स हैं वो काउंट करने हैं, है ना। या फिर ऐसे मैं कहूँ कि एक कोई सेंटेंस दे रखा है उसमें वर्ड्स काउंट करने हैं, है ना, वो सारी चीज़ें हैं। अब देखो, अगर जावा में दे रहे हो, अगर C++ या C में दे रहे हो, अगर C और जावा में डिफरेंस मानूं तो C में तो जनरली हम क्या करते हैं कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, हम वहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा के रेफरेंस के लिए उसको रिप्रेजेंट कर देना,
लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता, वहां पे हम रेफरेंस के लिए हम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूज करते हैं। तो ये जब जावा में पूछा जाएगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, और ये थोड़ी इसकी इंप्लीमेंटेशन पूछी जाती है, तो इसको थोड़ा याद रखना इस वाले को, ठीक है? इसकी इंप्लीमेंटेशन पूछी जाती है। अब बात आती है हमारे दूसरे की कि हमारा क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स ए स्ट्रिंग। अब जैसे कोई तुमको स्ट्रिंग दे रखी है उसको रिवर्स करना है अपने को, है ना? राइट ए प्रोग्राम टू चेक अ पैलिंड्रोम। अब एक स्ट्रिंग है, वो पैलिंड्रोम कैसे होती है वो तुमको पता होगा, उसको चेक करना है। प्रिंट nth नंबर ऑफ फैबोनिक सीरीज, जैसे फैबोनिक सीरीज हम प्रिंट करते हैं ना 011 ऐसे करके। अब उसका कोई बोलेगा 10th नंबर निकाल दो तो निकाल दो, हालांकि जो मेन अब जो तुम यूज करोगे वो एक अच्छा वे नहीं है, ठीक है? उसके लिए हम बैकट्रैकिंग यूज करते हैं। तो लेकिन अब भी तुम उसी को यूज करना, इतना कोई नहीं पूछता है सर्विस बेस्ड कंपनी में कि बैकट्रैकिंग क्या है और क्या कुछ नहीं है, तुम जो नॉर्मल मेथड है उसी को यूज करना, ठीक है? अब ये SCF और GCD निकालना है, एक नंबर दे रखे होंगे उनका निकालना है, ठीक है? अब प्रिंट डेसिमल ऑफ बाइनरी नंबर एंड वाइस वर्सा, लाइक एक बाइनरी नंबर दे रखा है उसका डेसिमल निकाल दो, डेसिमल का बाइनरी निकाल दो, है ना? सम ऑफ डिजिट ऑक्टल। अब जैसे बाइनरी वाली बात आती है तो बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, हेक्सा, ये सारे प्रोग्राम एक बार कर लेना। अब लीप ईयर है या नहीं है, रिवर्स अ डिजिट इन अ नंबर, है ना? स्क्वायर रूट विद अ स्क्वायर रूट फंक्शन, मतलब विदाउट अ स्क्वायर रूट फंक्शन, या तो नॉर्मल जो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है वो यूज नहीं करना है। अब पैलिंड्रोम, ये जो हमने ऊपर जो पैलिंड्रोम का पढ़ा था ये स्ट्रिंग के लिए पैलिंड्रोम था, ठीक है दोस्त? और ये नीचे है, ये है नंबर के लिए पैलिंड्रोम। अब ये बात होती है हमारी अगली कंपनी की, विप्रो की, ठीक है? अब ये ऐसा नहीं है कंपनी वाइज है, तुम अपना इसको सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? अब देखो एक चीज मैंने नोटिस की थी, हालांकि मैंने विप्रो का कभी इंटरव्यू में अपेयर नहीं हुआ मैं, लेकिन जब मैं इसके क्वेश्चंस की थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था तो मैंने कुछ चीजें नोटिस की कि विप्रो के जो क्वेश्चन सेट होते हैं वो थोड़े से अलाई करते हैं मैट्रिक्स की तरफ, 2D एरे की तरफ। तो मैट्रिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जैसे ये है स्पायरल मैट्रिक्स है, ठीक है? ये बहुत अच्छे से देख के जाना, और ये जरूरी नहीं है विप्रो में। मैंने एक कंपनी का दिया था क्यू इन्फोटेक का, वहां पे सिर्फ एक क्वेश्चन पे सिलेक्शन था जो मेन राउंड था लास्ट का, उसमें वो उसमें स्पायरल मैट्रिक्स भी थी, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख के जाना है इसको। प्रोग्राम टू डिस्प्ले या डिस्टिंग एलिमेंट इन एरे, ठीक है? ये सारे डुप्लीकेट हटा देना, डिस्टिंग प्रिंट करवा देना, वो वाला है। टू शॉर्ट अ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ऐसे सॉर्ट करना है कि फर्स्ट हाफ एरे का आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए और दूसरा वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? मैंने कहा था ना कि विप्रो मैट्रिक्स पे ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है? प्रिंट सम ऑफ ऑड एंड प्रेजेंट नंबर, ठीक है? लार्जेस्ट नंबर। प्रिंट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, डिस्प्ले लार्जेस्ट एलिमेंट इन ईच रो इन 2D एरे, जैसे हम कोई भी अब वो बनाते हैं मैट्रिक्स बनाओगे तो वो रो एंड कॉलम्स के हिसाब से बनाते हैं। अब ये कह रहा है कि लार्जेस्ट एलिमेंट प्रिंट करना है तुमको ईच रो का, ठीक है? प्रिंट टू चेक अ बैलेंस पैरेंथेसिस, ये एक अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, कि मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है? जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उनको ऐसे, ये तुम देख लेना एक बार, ठीक है? एक ये वाला भी क्वेश्चन सही है, और स्पायरल मैट्रिक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? अब चलते हैं अपन इन्फोसिस की तरफ। प्रोग्राम टू टेक बाइनरी एंड प्रिंट एज एन डेसिमल, ये ऊपर हम कवर कर चुके हैं, ये डुप्लीकेट्स क्वेश्चन हैं, ठीक है? लेकिन एज एन पूरा डुप्लीकेट्स नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी करके जाना। हाउ टू, ये क्वेश्चन अगर बेसिक जावा का दे रहे हो इंटरव्यू, ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे कोई पूछ लेता है कि पॉलीमॉर्फिज्म या एब्स्ट्रैक्शन या ऊप्स कैसे काम करता है, हमें पूरा समझाओ, लाइक इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन पूरा एक क्वेश्चन में समझाना है, तो वो क्वेश्चन कैसे इंप्लीमेंट करोगे वो देख लेना। अब मर्ज टू एरे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखो ऊपर वाला क्या था कि आधा हाफ करना है, इस क्वेश्चन ऊपर क्या था हमारा कि विप्रो वाले पार्ट में कि आधा इंक्रीजिंग में आधा डिसेंडिंग में, ये क्या है मर्ज टू एरे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है? अब इन्फोसिस का लेवल थोड़ा सा इन सारी कंपनियों से बढ़ जाता है, तो ये कभी कभी DSF वगैरह पे भी पहुंच जाता है, ठीक है? तो वो इंप्लीमेंट करवा लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं ना। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर इनपुट इज परफेक्ट नंबर और नॉट, ठीक है? XOR दो नंबर का निकाल सकते हो, अब कोई नंबर दे रखा है उसका XOR निकाल के दिखाना है, ठीक है? एक नंबर का मतलब कोई भी नंबर दे रखा है उसका XOR दिखाना है, ठीक है? अब जैसे अब ये सर्किट ब्रेकर से कर सकते हो, जो भी तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाए गए थे उनका लॉजिक एक क्वेश्चन में यहाँ पर लगा सकते हो। प्रिंट एन ASCII वैल्यू, अब जैसे कोई इनपुट कैरेक्टर दे रखे हैं, मेरे को पूरा एक स्ट्रीम दे रखी है कैरेक्टर की, है ना? अब उसकी मेरे को ASCII वैल्यू निकालनी है। अब तुम वो कैसे करोगे वो तुम्हें पता होगा कि प्रिंट ही लगाओगे, क्या लगाओगे, ये सारे क्वेश्चन हैं। अब इनका क्या करना है, अब प्रो टिप क्या है यहाँ पे देखो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इन क्वेश्चंस को रट लो, इनका तुमको लॉजिक पता होना चाहिए फ्रॉम टॉप टू एंड, लेकिन मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, इनको कंपनी को निकालने वाला। देखो ये सारे क्वेश्चंस अगर तुम लॉजिक रखोगे, लेकिन क्या क्या होता है हमें कभी कभी हम सिंटैक्स भूल जाते हैं,
है ना, सिंटेक्स भूल जाते हैं, मेन लॉजिक भूल जाते हैं उसका, तो तुमने क्या करना है, देखो इन क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करना और नोट पैड पे बनाना दोस्त, किसी आईडी पे मत बनाना, ठीक है, कि तुम बैठ के आईडी पे बना के, आईडी क्या करती है, ऑलरेडी रिकमेंडेड कर देती है चीज़ों को, है ना। तो नोट पैड पे बना के एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन उनका फाइल का नाम रख के और उनको डालना वर्ड फाइल में इन क्वेश्चन के साथ में और डाल देना अपने गूगल ड्राइव पे। अब मान लो कि तुम्हें जाना है किसी कंपनी के इंटरव्यू में अपेयर होना है फाइनल राउंड में, ऑब्वियसली कंपनी अपने लोकेशन पे बुलाती है, तो तुम्हारे पास उतना टाइम होगा, तुम्हारे ऑटो में जाओगे, कैब में जाओगे, कहीं जाओगे, हॉस्टल से जाओगे, कहीं आधा घंटा उससे पहले निकाल लेना और इनको सारे क्वेश्चंस को रटना नहीं है, फेर लेना एक बार कि मैंने लिखा कैसे है सिंटैक्स, मैंने लॉजिक कैसे लिखा है। देखो याद करना नहीं कहते उस चीज़ को, ना रटना कहते हैं, बस तुम एक बार लॉजिक देख रहे हो क्या कैसे, इससे तुमको बहुत हेल्प मिलेगी और ये सारी चीज़ें तुम्हें अपने प्लेसमेंट में बहुत काम आएगी। मैं हमेशा ऐसे ही करता था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने ड्राइव पर डाल रखे थे और मैं उनको एक बार लॉजिक देख लेता था कि यार मैंने इसका लॉजिक किया कैसे था, और ये मेरे को हमेशा काम किया, मैं कभी अटका नहीं, ठीक है। तो ये तुम कर सकते हो, और किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, विल डिस्कस दैट। ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।